कि हमारा शहर साफ सुथरा रहे और अच्छा रहे, लेकिन काम करने का प्रयास करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है वो कल का इंसिडेंट आपने भी कवर किया होगा, तो ये म्यूनसिपलिटी की जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है। आप देख रहे हैं कि पिछले काल कोरोना काल चला, GST नोटबंदी, बड़ी सारी इंडस्ट्री बंद हुई, पर कोरोना काल में जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी वो सारे लोग सब्जी का काम कर रहे हैं इस टाइम, जिनके पास घर की गाड़ी थी उसमें वो सब्जी बेच रहे हैं। ठीक है, DC साहब द्वारा एक अभियान चलाया गया जहाँ पर लोगों ने फुटपाथ गिरे हुए थे, वो फुटपाथ आम लोगों के लिए चाहिए, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये हक किसने दे दिया कि किसी की आप रेडी फड़ी तोड़ दो, और जिस तरह से उसको JCB से उठाया गया, या कोई गैरव नाम की म्यूनसिपलिटी के जो वहाँ पे ऑफिसर थे या उनके जो मुलाजिम थे उनके कोई गैरव नाम की चीज़ है कि आप यार एक नौजवान साथ ही सब्जी बेच रहा है और आपको देखे वो भाग रहा है, वो डर रहा है, तो उसके लिए वही काफ़ी था, ना कि उसकी आप रेडी तोड़ दें। सरकार के पास, मोदी सरकार के पास और इनके पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई पॉलिसी है रिहैबिलिटेट करने की नौजवानों के लिए? कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ से साफ कर दिया, तो यहाँ से साफ कर दिया, बड़ा अच्छा काम किया, कोई इनके लिए पॉलिसी भी लाओ ना भाई, ये कौन सा काम करे, घर का गुजारा चलाए। मोदी सरकार के पास कोई स्कीम नहीं थी, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया हिंदू मुसलमान के लिए, राम मंदिर के लिए, उनको कोई नहीं पूछता रोजगार पे, ना ही रोजगार पे बात करते। हमारे पिछले 5 साल से हमारे पास कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लोकतंत्र खत्म है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं DC साहब एक यंग है, डायनामिक है, वो आए यार कम से कम नौजवानों से बात करें। एक 2 लाख रुपए पे लेने वाला, 80,000 रुपए पे लेने वाला, वो DC साहब को शाबाश जरूर देता होगा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। हम भी बोलते हैं आपने फुटपाथ खाली करा दिए, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आपको ये हक किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी की रोजी रोटी पे लात मारो। आप ये देखो कि जो आदमी महीने का 10,000 रुपये कमाकर घर में जाता है, जिसका परिवार पलता है, DC साहब उसको भी पूछो क्या उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, जो 2 लाख वाले या 1.5 लाख वाले जो पे भी लेते हैं और करप्शन भी करते हैं, इनकी गुंडागर्दी करके किसी की रेडी तोड़ दो, किसी की फड़ी तोड़ दो, तो ये रेडी फड़ी पठानकोट चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ पूरे देश में, और ये एक जम्मू कश्मीर ऐसा कहते हैं 370 टूटने के बाद, झूठी बनने के बाद बड़े बड़े रोजगार के अवसर आएंगे। मोदी जी का हाथ सबके साथ, मोदी जी का हाथ अंबानी अडानी के साथ, या जो बाहर के इंडस्ट्रियल जहां पर आ रहे हैं उनके साथ, तो गरीब आदमी के साथ है ही नहीं है, गरीब लोगों जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी के सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे रॉबिन शर्मा जी हैं, विनय शर्मा जी हैं, यशपाल जी हैं और विशाल जी हैं, तमाम हमारे जो साथी हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, जिसका मकसद यही है कि हम सबने देखा कि कल किस प्रकार से एक युवा की जो रेडी है उसको म्यूनसिपल काउंसिल के द्वारा तोड़ा गया। बात तोड़ने की नहीं है, बात ये है कि ये जो म्यूनसिपल काउंसिल और ये एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारे लोगों में किस प्रकार का टेरर फैलाना चाहती है। चल रही यहाँ पे जो लुटेरे डाकू चोर है जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने किस तरह एक नौजवान, एक युवक जो पहले अपने मुंह से खुद बोल रहा था बचाला कि मैं पहले गलत काम करता था, चोरियां करता था, अब मैं रोजगार करने लगा, अपनी मेहनत के खाने लगा, तो मेरी रेडी तोड़ दी गई। हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में यहाँ पे जो हम लोगों ने खुद BJP को झोलियां भर भर के वोट दिए थे, अब वो अपने बिलों में जाके छुप गए हुए हैं। यहाँ की लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो चुकी है, काले अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि ये जो DC साहब के ऑर्डर की आड़ में लेके ये डायरेक्ट जो यहाँ के लोकलाइट है जो उनको एक तरह से जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो हमारी डोगरियत है सीधा सीधा उसके ऊपर हमला किया जा रहा है।